यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में यातायात होमगार्ड व ट्रैफिक के जवानों को जाम से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। डीआईजी एसएसपी शहरवासियों को कैसे जाम के झाम से छुटकारा दिया जा सकता है, इसके लिए कटिबद्ध दिख रहे हैं। डीआईजी एसएसपी ने बैठक में ट्रैफिक कर्मियों को निर्देश दिया कि शहर के अंदर बिना अनुमति के कोई बड़ा वाहन प्रवेश न करने पाए, अगर प्रवेश करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर के अंदर चार पहिया वाहन रोड के किनारे खड़ी न होने पाए, ऐसे वाहनों का तत्काल चालान किया जाए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। हर चौराहों पर बाएं तरफ का रूट खाली रहना चाहिए ताकि बाएं जाने वाले यात्रियों की यात्रा बिना रोक टोक के सुगमता से संचालित होती रहे। चौराहों पर ड्यूटी करने वाले हर ट्रैफिक जवान व होमगार्ड निगरानी रखें ताकि बाएं रास्ते को कोई अवरोध पैदा ना कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, कल हम लोग पब्लिक को इन्वॉल्व करना शुरू किए। कल से लोग इन्वॉल्व होंगे, लोग ये देखेंगे कि हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था को किस तरह से कर रहे हैं। इसमें कई सारे विभाग जरूर हैं, पुलिस एक विभाग है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, इन्फोर्समेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोगों को बहुत ही गंभीरता से ड्यूटी करनी है। सबसे टफ ड्यूटी पुलिस में मैं सिर्फ ट्रैफिक की मानता हूं और किसी की नहीं, सबसे टफ है ट्रैफिक की ड्यूटी। सड़क पे खड़े होकर के ट्रैफिक को संभालना सबसे टफ ड्यूटी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर कोई आपसे लड़ने के लिए आमदा है। हर कोई आदमी जो है अनुशासन में ना रहना, अनुशासन में रहना कौन पसंद करता है। सबसे टफ ड्यूटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सबसे टफ काम आप लोग कर रहे हैं। आपका ये नियंत्रण जो मैं देख रहा हूँ, यातायात देरी से तीन यहाँ पर है, अभी तीन में से नियंत्रण अच्छा उपलब्ध तीन की है। कौन कौन है तीन यातायात निरीक्षक? क्या नाम आपका? अंसारी जी। दो कौन है और? एक सुनील कुमार सिन्हा साहब, एक गुरु कुमार शर्मा जी। कहाँ है वो लोग? ट्रेनिंग गए हुए हैं दोनों। ना सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब कहाँ है? बाहर। बाहर क्यों है? मुख्य आरक्षी 34 है। मुख्य आरक्षी कितने लोग आए हैं? में आए बाकी ड्यूटी में अभी। सिन्हा साहब आप भाई क्या व्यवस्था किसे भी कर रहे हो ना? हमें चाहिए चाय ना, हमें वो चेक चाहिए पुलिस लाइन की, ठीक है ना? तो कुछ चलाने नहीं, बैठ बैठ जाओ, सुनो बात, ठीक है। और अब हम लोगों ने ट्रेनिंग देकर के 54 मुख्य आरक्षी और 32 नए आरक्षी दिए। ये जो भर्ती में नहीं है जो ट्रैफिक की, वो लोग यही है, आप दीजिए कर दीजिए। ये भी ड्यूटी में लगना है, इनको सबको भर्ती शुरुआत दीजिए। इनकी सबकी ट्रेनिंग में मैंने पोस्ट कर दिया है, 54 नए आरक्षी और आप इनको वर्दी आप लोग सिलवा लीजिए। नेक्स्ट 7 दिन के अंदर सभी के पास वर्दी होनी चाहिए। तो ये सब लोग आप लोग आज से ट्रैफिक की ड्यूटी करेंगे। और आपने ट्रेनिंग कितने समय कराएंगे? कितने महीने कराए ट्रेनिंग? एक महीने। एक महीने हो गई है तो आप लोग अब जो है ट्रेनिंग करने के बाद परफेक्ट है। हम कुछ लोगों को सोचता है ट्रैफिक निदेशालय में या लखनऊ में भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकते भेजे। होमगार्ड हमारे पास 241 उपलब्ध है और पीआरटी के 99 जवान है जो ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं। आज जो लोग दिन में ड्यूटी पे हैं, इनकी ड्यूटी कितने बजे शुरू हो रही है? इनकी होगी 2 बजे से, और उनकी ड्यूटी कितने बजे? 2 बजे ऑफ हो जाएगी। 4 बजे तक। 4 बजे तक रहेगी कल? अच्छा, ये 4 बजे चढ़ेगी ड्यूटी हो और वो 4 बजे तो जाएंगे। हम बाकी जो बच्चे हैं उनकी मीटिंग करना चाह रहे हैं तो वो कल करेंगे। बाकी जितने बच्चे आज मीटिंग में वो कल ड्यूटी करेंगे। बाद ड्यूटी टाइम मुझे बता दीजिए। हाँ, 4 बजे रख लो। 4 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद रख लीजिए। आप लोग कल टाइम से ड्यूटी पे जाना चालू नहीं चाहिए। 5 बजे तो आप लोगों को हमें बहुत गुरुत्व दायित्व है इन्फोर्समेंट का।
हम सिविल पुलिस का भी मदद लेंगे कि ठेले हैं, अतिक्रमण है वो हटे, किसी भी सूरत में अतिक्रमण ना लगे। कल बहुत सारी चीजें उठी कि साहब इसको वन वे कर दिया जाए। जो जो इश्यूज उठे हैं उसमें आप ट्रैफिक के लोग जहां जो लग रहे हैं उनको वन वे कराने के लिए आप कौन से वन वे करा सकते हो पहले उसको आप ले लीजिए। अभी जैसे पायलट प्रोजेक्ट में दो वन वे निकाल लीजिए, साहब ये दो वन वे हम करा रहे हैं, ठीक है, आप कल से ही स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, कल से स्टार्ट करा दीजिए, साहब ये दो वन वे ले रहे हैं, आपको पुलिस वाले दे दिए हैं, वन वे करा शुरू कर दो। दो या तीन वन वे जो मेन हमारे चेक पॉइंट है या हमारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वहाँ वन वे शुरू करा दीजिए। सड़क बनाना, नगर निगम से मदद लेना, ये हम करेंगे ही करेंगे। जो और सुझाव आए, सुझाव का दस्तावेजीकरण आपको लिखना, कल वाले सुझाव लिखना, आज जो व्हाट्सएप पे सुझाव आए वो शाम तक मेरे को दे देना। आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं, क्या बहुत आ रहे हैं, 50-60 आ चुके हैं, तो मुझे एक एक सुझाव चाहिए, एक भी नहीं बचा होना चाहिए। आप लिखेंगे, प्रिंट आउट दे देंगे, शाम को पूछ देंगे आप, शाम को प्रेस कोड जाएगा इसका, जो जो लोग सुझाव दिए उनका प्रेस कोड आज शाम जाएगा। जो दो हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं कल से स्टार्ट करो, फिर परसों वो भी आप देखते होंगे। मजदूर जो उठाते हैं, ये बिल्डिंग बनाने वाले लोग काम करते हैं, वो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम लोग सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसका सरकार हमें तनख्वाह दे रही है 3-4 हज़ार रुपये डे वाइज। तो आप लोग उसकी ये चीज हम नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपको ब्रीफ किया है सबको, ये चीज नहीं देखना। चौराहे पे लिखा जीवन या स्थिरता ना हो, 8 घंटे में आप 4 घंटे पीक आवर से उसमें सभी लोग ड्यूटी बहुत मजबूती से करें। जब पीक आवर नहीं है आप 2 घंटे में 2 काम कर रहे हैं तब भी हमें परेशान नहीं, कभी कभी होता क्या सबके सब ड्यूटी में बैठ गए, एक जगह बैठ गप्पा कर रहे हैं, दिस दुनिया मोटरसाइकिल में बैठे हुए। अधिकतम चालान काटिए, चालान जरूर काटे हम, समन शुल्क की व्यवस्था जो है वो अभी आज से शुरू करिए, समन शुल्क हम कितना वसूल पा रहे हैं, समन शुल्क अधिक से अधिक वसूलिए। मोटरसाइकिल जो 3 सवारी चल रही है उन पर जरूर नजर रखे, वो गाड़ी जरूर रुकनी चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी, क्राइम भी रुकता है, सिविल पुलिस का काम आपको भी कहेंगे कि आपका काम सिविल पुलिस भी करेगी, लाइक ठेले हटवाना, पार्किंग ठीक करवाना, ये सब पार्किंग के लिए जिनकी ड्यूटी लगती है पार्किंग में डलवाएं, वो पार्किंग में गाड़ियां रखवाने की व्यवस्था करें कि लोग पार्किंग में गाड़ी रख सके। लोगों को आदत बदलवाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हमें, और वो मजबूर हम लोग तभी करेंगे जब हम नियमों का पालन कराएंगे, जब उनके चालान कटेंगे, जब इनकी जेब ढीली होगी, चालान में पैसे जाएंगे, तब वो जरूर मजबूर है, उसको पालन करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को अधिकतम फाइन्स जो हमारे अभी मोटर व्हीकल्स एक्ट में बहुत सारे फाइन ऐसे हैं जो हाल खराब हो जाती आदमी, तो जरूर फाइन हम लगाए लोगों पे। मेरे पास तो शिकायत नहीं आती है, बहुत कम शिकायत आती है, ट्रैफिक पुलिस ने हमारी गाड़ी पकड़ ली है और छोड़ नहीं रहे, साहब सीज करी हुई है, इसका मतलब आप कम गाड़ियां पकड़ रहे हैं, जरूर पकड़िए अधिक से अधिक गाड़ियां। जो नियमों का उल्लंघन पाया करता हुआ पाया जाए, गाड़ी को बीच सड़क खड़ी करे या गाड़ी वहीं खड़ी हुई जहां जाम लग रहा है उसकी वजह से, ऐसी गाड़ियों को जरूर सीज करके खड़ी कर दीजिए और कार्रवाई करिए। इस पर होमगार्ड्स और पीआरडी के जवान भी इतने ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, और जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को हम लोग पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक में रखेंगे, जो अच्छा काम नहीं कर पाएगा उसको हम नहीं रख पाएंगे। ये आप अच्छी तरह से होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी क्लियर जान लें कि सभी लोग उपस्थित रहे और अच्छी तरह से ड्यूटी करें। आज हम ब्रीफिंग आपको इसलिए कर रहे हैं कि हम जब पब्लिक से सुझाव मांग रहे हैं कि हम ट्रैफिक को जो है वो ठीक करेंगे, तो अवश्य हमें खुद को पहले से ठीक रहना पड़ेगा और होना पड़ेगा उसके लिए तैयार। हमारे ट्रैफिक पुलिस बल जो हमारा है, जिसमें निरीक्षक यातायात है, उप निरीक्षक है, मुख्य आरक्षी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस बल हमारा जनपद का है, इसमें होमगार्ड्स और पीआरडी के जवान भी हैं इनके अलावा, इन सब की हमने आज बैठक करी और उनको निर्दिष्ट किया है कि हम ट्रैफिक को ठीक कैसे रख सकते हैं और क्या कार्रवाई इसमें हो सकती है, क्या क्या हम चीज़ें इसमें कर सकते हैं, इसको लेकर के हमने इन लोगों की ब्रीफिंग करी है। इन लोगों से यह भी निर्देशित किया है कि ये लोग चूँकि ट्रैफिक की ड्यूटी समय से कर रहे हैं, कई समय से कर रहे हैं, तो ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है और सुझाव देंगे, इनसे भी हमने सुझाव मांगे, साथ ही इनको अच्छी तरह से सख्त तरीके से ड्यूटी करने के लिए भी कहा है। हम अन्य जो जिला प्रशासन है हमारा और नगर निगम है हमारा, उनसे भी हम कई सारी मदद मांगेंगे जिससे जो है हम लोगों को ट्रैफिक की चीज़ें ठीक हो। कई सारे विभाग होते हैं जिले में जो ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए उत्तरदायी है, उन सब डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय करके हम ट्रैफिक को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे।
थोड़ा सा ट्रैफिक जाम के दौरान कुछ राहगीर होते हैं बस रुके कर लेते सिपाहियों के साथ, उस पर बचाव के लिए क्या कहा गया? देखिए हम लोगों ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि बहुत ही भद्रता के साथ व्यवहार करें, किसी के साथ अभद्रता ना करें, व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सदव्यवहार होना चाहिए, लेकिन साथ ही आप उतने ही सख्त भी होने चाहिए कि पुलिस अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, जाम करने में अपनी गाड़ी को इस तरह से खड़ा कर रहा है जिससे जाम लग रहा है, या इस तरीके की चीज़ें कर रहा है जिससे एमवी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अवश्य हो, कानून का पालन सख्ती के साथ हो, साथ ही साथ व्यवहार विनम्र पुलिस का हो, यह भी निर्देश दिए हैं। सर क्या बॉडी कैम का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसमें? बॉडी वॉर्न कैमरा हमारे पास अभी वर्तमान में 8 है और हमने TSI और TIS को निर्देश किया है कि बॉडी वॉर्न कैमरा जरूर पहने ताकि किसी भी सूरत में हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड रख सकते हैं और हमारे पास जो चौराहा है उस पर क्या चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो सके, साथ ही साथ उससे कई सारी चीज़ें आसान हो जाती है, एविडेंसेज हमारे पास रहते हैं, तो बॉडी वॉर्न कैमरे के लिए हमने कहा है और नए बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने के भी हम कवायद सुन करेंगे। सिटी के जो छोटे छोटे चौराहे हैं, छोटे छोटे गस्बे हैं, दिन भर तो वो जाम मुक्त रहते हैं लेकिन शाम को ही वहाँ पे ठेलों का अतिक्रमण हो जाता है। हमने यह भी कहा है कि ट्रैफिक जो हमारा सभी चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया है कि उनके एरिया में पड़ने वाले जितने भी चौराहे हैं शाम के समय में और दिन में भी, और ट्रैफिक पुलिस को भी कहा है कि 50 मीटर चौराहे के चारों तरफ जितनी भी रोड्स है वो खाली रहनी चाहिए, न रिक्शा लगे वहाँ, न ही ठेले आदि लगने की कोई स्पेसिफिक जगह प्रशासन निर्धारित करिए वहाँ लगे, अन्यथा 50 मीटर दूर लगे चौराहे से ताकि चौराहा जाम न हो, साथ ही एक तरफ लगे प्लस जो रिक्शा आदि है वो भी फिक्स जगह पे लगे और ऐसी जगह लगे जहाँ से जाम न होने पाए और ट्रैफिक के लिहाज से वो चौराहे से 50 मीटर दूर ही लगे, चौराहे के आसपास किसी भी हालत में कोई रिक्शा न रोके, न सवारी ले न सवारी उतारे।